तो क्या हाल चाल है भाई लोग। आज क्या करेंगे, इस वीडियो में बताऊंगा कि सीडो सिलेक्टर क्या होता है, सीडो सिलेक्टर क्या होता है और एन चाइल्ड सीडो सिलेक्टर क्या होता है। ठीक है, एन चाइल्ड सीडो सिलेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा कि एक जल्दी से इसका जो स्क्रीन है, इसका जो बड़ा सा स्क्रीन है आपको दिखाई दे रहा है, इसको छोटा कर देता हूँ। इतना सही है, इतना छोटा कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं जो विजुअल स्टूडियो उसको ओपन कर रहा हूँ अभी, जो विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ अभी, तो इतना सही है। ठीक है, तो ये देखना कि एक न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ बेसिकली, एन चाइल्ड सीडो सिलेक्टर में, जो कि एन चाइल्ड सीडो सिलेक्टर क्या होता है उसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद एट्रीब्यूट के बारे में बताऊँगा, एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट एंड एन चाइल्ड सीडो सिलेक्टर। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा कि SEL लिख देता हूँ, SEL SL लिख देता हूँ, SL.HTML, HTML तो कुछ भी दे सकता हूँ, नाम कुछ डिपेंड नहीं करता, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा कि जल्दी से एक एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दूँगा, उसके बाद एमिट एब्रिविएशन के मदद से एक बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा कि एन चाइल्ड, यहाँ पर सीडो सिलेक्टर लिख देता हूँ, PSEU डो सिलेक्टर, सीडो सिलेक्टर, यहाँ पर SELECT LECTOR। ठीक है, तो सीडो सिलेक्टर लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि बॉडी के अंदर तो ऐसे सीडो सिलेक्टर ऊपर दिखाई देगा। मैं अभी सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर दिया, आपको दिखाई देगा अभी क्रोम ब्राउजर में, अभी सीडो सिलेक्टर दिखाई देगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा कि ये देखना, अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख दूंगा, जैसे कि एक डीप टैग यूज करूँगा, डीप टैग यूज, नहीं तो मैं काम करूँगा कि इसके अंदर मैं पैराग्राफ यूज करूँगा बेसिकली, तो इसके अंदर मैं पैराग्राफ यूज करूँगा बेसिकली, तो पी टैग यूज करूँगा। तो यहाँ पर देखना कि बेसिकली डीप लिखूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि एन चाइल्ड के बारे में बताऊँगा डीप। अच्छा ठीक है, एक काम करूँगा कि डीप लिखूँगा, तो डीप डीप लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि पैराग्राफ लिख देता हूँ, पी टैग यूज करूँगा, नहीं तो मैं LI भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं पी टैग यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो पी, ठीक है, पी टैग यूज कर रहा हूँ, स्वराज नाइक लिख देता हूँ इसके अंदर, स्वराज, स्वराज नाइक। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ बेसिकली, कंट्रोल डी कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब हर क्लास का मैं काम कर रहा हूँ कि एक मेरे पास एक शॉर्टकट है, मतलब शॉर्ट हैंड भी बोल सकते हो, तो पी टैग यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, डट पारा लिख रहा हूँ, पी पारा लिख दिया। उसके बाद कुछ आईडी देना चाहता हूँ इसको। ठीक है, तो ग्राफ GRAPH, यस। ठीक है, तो यहाँ पर पाउंड मतलब डॉलर साइन दे दिया। उसके बाद मैं, मुझे चाहिए 6 चाहिए, यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ, नहीं तो 7 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 7 चाहिए, आ चुका है मुझे अभी। ठीक है, अगर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिख दूंगा कि यहाँ पर स्वराज लिख देता हूँ, मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी की मदद से यहाँ पर स्वराज लिख देता हूँ, 1, ये देखो स्वराज लिख दूंगा, सॉरी कंट्रोल दबा के, शायद ऑल्ट दबा के, मतलब मुझे भी पता नहीं क्या है, ऑल्ट दबा के शायद, हाँ ऑल्ट दबा के, तो मैं भी भूल चुका था इसको। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि ऑल्ट दबा के मैं क्या करूँगा कि स्वराज लिख देता हूँ, स्वराज SW, स्वराज, ठीक है, स्वराज नायक, NAYAK। ठीक है, ये भी हो चुका है, बाहर भी एक बार सिलेक्ट हो चुका था शायद, ये अभी हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर मैं बोलूँगा कि कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, ये भी हो चुका है, स्वराज नायक आ चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, इसका जो टेक्स्ट लाइन को मैं सेंटर कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसका जो कि ये है, इसके अंदर जो कि इंटरनल CSS यूज़ करूँगा, इंटरनल CSS यूज़ करूँगा इसके अंदर बेसिकली, स्टाइल, तो इसके अंदर स्टाइल टैग यूज करूंगा। अभी बोलूँगा कि जो कि डॉट क्लास है, डॉट सॉरी, जो डॉट पारा है, डॉट पारा है, डॉट पारा, तो सॉरी क्या क्या कर दिया इसके अंदर, तो अभी मैं डॉट पारा ओनली यूज करूँगा, डॉट पारा स्टाइल टैग के अंदर, डॉट पारा, डॉट पारा डीप क्यों ले रहा है बेसिकली, मैं डॉट पारा, मुझे नहीं पता क्यों डीप ले रहा है बेसिकली, मैं चाहता हूँ कि जो कि डॉट पारा। अच्छा ठीक है, मैं इसको
इसको मैं हटा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे लिख कर देता हूँ डी पारा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको इसको बोलूँगा कि मेरा जो कि पारा है इसको टेक्स्ट अलाइन कर देना, इसका जो टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देना है, ठीक है। इसका जो टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देना है, ठीक है। ये अभी सेंटर में आ जाएगा, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, ये देखते हैं काम करता है कि नहीं। ये अभी सेंटर में आ चुका है। अब मैं बोलूँगा कि अभी मैं एन चाइल्ड के बारे में बोल देता हूँ, और मैं बोलूँगा कि यहाँ पर एक फार्मूला के बारे में बोलूँगा बेसिकली। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये देखो, अगर ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, अगर मैं बोलूँगा कि टू एन, मैं चाहता हूँ कि मतलब हर, मतलब ये फर्स्ट हर जो कि इवन नंबर है वहाँ पर क्या होगा कि मत देखो, इवन नंबर तो मैं बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पर कलर रेड नहीं होगा, सेकंड वाला रेड होगा, उसके बाद थर्ड वाला रेड नहीं होगा, उसके बाद जो कि फोर्थ वाला रेड होगा, फिफ्थ वाला नहीं होगा, सिक्स्थ वाला होगा। तो ऐसे मैं कैसे मतलब एक एक छोड़ के कलर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर एन चाइल्ड यूज़ करूँगा बेसिकली, बोलूँगा कि जो कि पैराग्राफ है डीप टैग के अंदर, जो कि डीप टैग का, सॉरी यहाँ पर डीप लिख रहा हूँ तो मुझे ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है, डीप लिख दूंगा। तो डीप डीप के अंदर, तो यहाँ पर स्पेस दे रहा हूँ जो कि डीप है, डीप के अंदर ये करना जो कि पारा है, मतलब डीप के अंदर जाना, उसके बाद जो कि एंथ चाइल्ड है, एंथ चाइल्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो कि एंथ चाइल्ड है। तो इसको मैं पहले क्या कर रहा हूँ कि मैं थर्ड वाला को बेसिकली कलर करना चाहता हूँ, ठीक है। थर्ड वाला को पहले कलर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अगर थ्री लिख दूंगा तो क्या होगा कि थर्ड वाले को सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो कि कलर है, तो यहाँ पर जो कलर है इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, ये भी रेड हो जाएगा, ये देखना ये अभी रेड हो चुका है, ठीक है। तो अभी ये रेड हो चुका है बेसिकली। इसे जो फॉन्ट साइजिंग भी मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर फॉन्ट साइज कर देता हूँ कि फॉन्ट साइज कर देता हूँ कि 40 पिक्सल, 40 पिक्सल, तो ये थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। पिक्स कर रहा हूँ यहाँ पर, कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, ये अभी इसका साइज बड़ा हो चुका है। और ये देखो, इसका साइज जो है ये बड़ा हो चुका है, आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है। अगर मैं क्या करूँगा कि ये तो हो चुका है एन चाइल्ड के बारे में, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मैं चाहूँगा कि हर, मतलब यहाँ पर स्वराज नायक है जो कि फर्स्ट स्वराज नायक है, वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब वो क्या होगा कि उस सेकंड वाला स्वराज नायक चेंज होगा, उसके बाद थर्ड वाला चेंज नहीं होगा, फोर्थ वाला चेंज होना चाहिए। उसके बाद मैं बोलूँगा कि जो थर्ड वाला चेंज नहीं होना चाहिए, फोर्थ वाला होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर लिखूँगा कि मेरे पास एक एन प्लस जीरो है, एक फार्मूला है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको रेड यहाँ पर लिख देता हूँ, कि यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि इसको कंट्रोल डी कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि आपको नोट देना है, आपको नोट देना है, ठीक है। इसलिए मैं इसको नहीं हटा रहा हूँ बेसिकली, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा कि टू एन, यहाँ पर लिखूँगा कि टू एन प्लस, टू एन प्लस जीरो कर दूंगा, अगर मैं इसके अंदर टू एन प्लस जीरो कर दूंगा तो कंट्रोल एस कर रहा हूँ, ये देखना क्या होगा कि इसका मतलब मैं बोलूँगा क्या है टू एन प्लस जीरो क्या है। तो ये क्या होगा कि पहले सेकंड वाला अभी कलर हो चुका है, उसके बाद थर्ड वाला कलर हो चुका है, उसके बाद फोर्थ वाला हो चुका है, ऐसे ऐसे ही होता है, ठीक है। ये सेवन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन है टोटल, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है बेसिकली, तो टू एन मतलब क्या है, जब एन का वैल्यू जीरो होगा, जब एन का वैल्यू जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। एन का वैल्यू जब जीरो होगा तो क्या होगा कि टू टू मल्टीप्लाई जीरो, मतलब क्या है जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या है जीरो, मतलब कुछ कलर नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा कि टू एन मतलब एन का वैल्यू जब वन होगा, एन का वैल्यू जब वन होगा तो इसका जो आंसर आएगा वो टू आएगा ना, टू प्लस जीरो क्या होगा कि टू आएगा, मतलब सेकंड वाला मतलब सेकंड को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर टू हो जाएगा बेसिकली, ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर टू हो जाएगा बेसिकली। और टू एन प्लस टू एन यहाँ पर जब जब एन का वैल्यू अगर वन होगा तो क्या होगा कि ये जीरो, ये टू हो जाएगा, मतलब जीरो, उसके बाद टू हो गया, उसके बाद फोर हो जाएगा, एट हो जाएगा, ऐसे काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अगर ये टू हो जाएगा, अगर एन का वैल्यू, अगर एन का वैल्यू टू हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा कि फोर हो जाएगा, फोर हो जाएगा ना, ठीक है।
तो फोर हो जाएगा, ये देखो ऐसे ही फोर हो चुका है, 1 2 3 4, फोर को कलर कर देगा। बेसिकली ये क्या करेगा कि हर इवन नंबर को, इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली इवन नंबर यहाँ पर शो कर रहा है, बेसिकली 0 2 4 8 ऐसे ही इवन नंबर को 4 6 8, तो ऐसे ही क्या करता है कि मान लो कि ऐसे ही, मतलब ये जो फार्मूला है यहाँ पर ये कंडीशन है बेसिकली, तो ये कंडीशन के मदद से यहाँ पर मैं इविन नंबर ला रहा हूँ, ठीक है, इविन नंबर ला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर मैं चाहता हूँ कि इसको 5 कर देना चाहता हूँ, बेसिकली इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, ये कोड भी मुझे देना है, ठीक है। अभी मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ, बेसिकली कंट्रोल डी, जो कि इसको मैं कमेंट, मतलब कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं लिखूँगा कि अगर मैं चाहता हूँ कि, मैं चाहता हूँ कि ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे कि 3n लिख दूंगा, तो यहाँ पर 3n लिख दूंगा, 2n+3 कर, नहीं तो एक काम करूँगा 2n+3 कर सकता हूँ। आप 2n+3 अगर कर दूंगा तो क्या होगा, कि देखना क्या होगा, ये क्या होगा कि 2n मतलब 0, मतलब 0 पहले 3 होगा, पहले 3 हो जाएगा बेसिकली, 1 2 3, उसके बाद ये देखो 1 2 3 4 5 हो चुका है। 5 कैसे हुआ, ये क्या हुआ कि 2 3 प्लस, मतलब 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 1, क्या है मतलब क्या होगा कि 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 3, मतलब 5 हो जाएगा, तो ऐसे ही काम करते हैं। उसके बाद 7 हो जाएगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 हो जाएगा बेसिकली, 7 नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है फॉर्मूला के बेस में ये, इसको एन चाइल्ड सीडो सिलेक्टर बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही काम करता है। तो ये तो हो चुका है अभी। तो और कुछ मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं एक फॉर्म टैग यूज़ करूँगा, नहीं तो एक काम करूँगा कि ऐसे भी आप लिख सकते हो, अगर इसको भी मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब कुछ देना है। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक फॉर्म टैग यूज़ करूँगा, बेसिकली डिप बॉडी के अंदर एक फॉर्म टैग यूज़ करूँगा, ठीक है, तो बॉडी के अंदर एक फॉर्म टैग यूज करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक फॉर्म टैग यूज करूँगा, बेसिकली फॉर्म टैग का एक्शन कुछ दे सकते हो, जैसे कि backend.php, अगर मैं इसके अंदर इसका जो एक्शन है, अगर मैं यहाँ पर एक्शन लिख रहा हूँ, जैसे कि backend.php, आप सोच सकते हो कि ऐसा कोई फाइल है, बट अभी मैं फाइल नहीं बनाया हूँ बैकेंड का, ठीक है। तो जब बैकेंड पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा कैसे बैकेंड बनाते हैं, ठीक है। बैकेंड डॉट php यूज कर रहा हूँ, बेसिकली php बैकेंड डॉट php, आप नोड जेएस यूज कर सकते हो, बहुत टाइप का होता है, ठीक है। तो बैकेंड डॉट php यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। फॉर्म टैग के अंदर मैं बेसिकली एक इनपुट टैग यूज करूँगा, इनपुट, तो इनपुट के मैं बोलूँगा कि इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दूंगा, उसके बाद इसका जो कि प्लेस होल्डर दे रहा हूँ, प्लेस होल्डर के जो कि झापसा आपसा दिखाई देगा आपको, जैसे एक हिंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ एंटर योर नंबर, एंटर योर नेम, जो कि नेम होता है वो टेक्स्ट होता है ना, ठीक है, एंटर योर योर नेम, ठीक है, यहाँ पर एंटर योर नेम लिख दिया, ठीक है। तो अभी ये अभी हो चुका है। अगर मैं बोलूँगा कि मैं इसको कंट्रोल डी कर रहा हूँ, बेसिकली कंट्रोल डी, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि बोलूँगा कि एंटर योर नंबर, बस इसका जो कि इनपुट टाइप को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको नंबर कर देता हूँ, ठीक है, इसको नंबर कर देता हूँ, यहाँ पर भी एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर, ठीक है, एंटर योर नंबर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक सबमिट बटन भी बना देता हूँ, सब कुछ कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो कि इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप है, इसको मैं क्या करूँगा कि इसका जो कि टाइप है सबमिट कर देता हूँ, इनपुट टाइप को मैं सबमिट कर देता हूँ, सबमिट, एस सबमिट कर दिया। उसके बाद इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है सबमिट कर देता हूँ, सबमिट सबमिट, इसका जो वैल्यू है सबमिट कर चुका हूँ, कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, ये देखना ये अभी ऐसे हो चुका है। बेसिकली ये जो कि पैराग्राफ होता है वो ब्लॉक एलिमेंट है, जो कि पैराग्राफ है वो ब्लॉक एलिमेंट है, और जो कि इनपुट टैग है वो इनलाइन एलिमेंट है। आपको पता है इनलाइन एलिमेंट और जो कि ब्लॉक एलिमेंट है उस दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि ब्लॉक एलिमेंट टोटल ब्लॉक ले लेता है और टोटल एरिया ले लेता है, और जो कि सेकंड जो कि एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन में आना पड़ता है, बट इनलाइन में ऐसे नहीं होता है, इनलाइन में जितना एरिया चाहिए उतना ले लेता है, उसके बाद जो कि सेकंड एलिमेंट है अगर वहाँ पर जगह है तो क्या होगा कि वो आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा, मतलब
ऐसे ही आ जाएगा उसका, जो कि राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अगर बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो डिस्प्ले हो, इसका जो डिस्प्ले, इसको ब्लॉक करूँगा बेसिकली। बेसिकली मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जो कि इनपुट टैग है, बेसिकली यहाँ पर एक स्टाइल टैग यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो कि इनपुट टैग है, जो कि इनपुट टैग है, सॉरी यहाँ पर मैं एंटर दबा दिया, तो यहाँ पर बोलूँगा कि जो कि इनपुट है, तो यहाँ पर इनपुट लिख रहा हूँ। तो हाँ, तो अगर इसके अंदर जो कि इनपुट है, इसका जो कि डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले को मैं क्या करूँगा कि डिस्प्ले को क्या करूँगा कि ब्लॉक कर दूँगा। अब ब्लॉक करने से क्या होगा कि एक लाइन में, मतलब एक ब्लॉक हो जाएगा, मतलब हर जो कि इनपुट है वो टोटल ब्लॉक ले लेगा, ब्लॉक ले लेगा, मतलब जो कि सेकंड इनपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आना पड़ेगा, उसके बाद जो सबमिट है उसको भी नेक्स्ट लाइन में आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास और एक फ़ायदा है कि मैं इसको, अगर इसका जो कि मार्जिन को मैं ऑटो कर दूंगा तो क्या होगा कि वो सेंटर में आ जाएगा, बट ऐसे नहीं आएगा जब तक मैं इसका विड्थ सेट नहीं करूँगा। अगर मैं इसका ऐसे, अगर मैं इसका मार्जिन को मैं क्या करूँगा कि अगर इसका जो मार्जिन है ऑटो कर दूंगा तो ये काम नहीं करेगा, ये देखना काम नहीं करेगा, पक्का काम नहीं करेगा, ये कर गया, बट कभी कभी नहीं होता है, उसका कुछ वैल्यू देना पड़ता है बेसिकली, कभी कभी नहीं ले लेता है, कभी कभी नहीं लेता है, इसके विड्थ तो कुछ दे देना चाहिए। अगर मैं कुछ विड्थ दे दूंगा उसके बाद मार्जिन ऑटो कर दूंगा तो क्या होगा कि वो सेंटर में आ जाएगा, मेरा तो अभी आ चुका है, बहुत अच्छे अच्छा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मुझे कुछ विड्थ देना नहीं पड़ेगा अभी, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा कि मैं बोलूँगा कि मैं चाहूँगा कि अगर यहाँ पर जो कि इनपुट टैग है, जो कि इनपुट टैग है, तो ये मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ बेसिकली, ऊपर वाला को सिलेक्ट करना चाहता हूँ बेसिकली, ये जो ऊपर वाला सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसका बॉर्डर कुछ देना चाहता हूँ, उसके बाद इसका जो फॉन्ट साइज, इसका जो कलर है, इसके अंदर जो भी मैं लिखूँगा उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। बट दोनों इनपुट टैग है ना, बट इसका कोई तो क्लास नहीं है, मतलब इसको सिलेक्ट कैसे करूँगा बेसिकली, मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ तो कैसे टारगेट करूँगा बेसिकली। ये तो दोनों इनपुट टैग है, मतलब तीन इनपुट टैग है, मैं इसको तो छोड़ दे, ये तो सबमिट बटन है, तो ये दोनों के, ये जो दोनों इनपुट टैग है बेसिकली, मैं ऊपर वाला को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि तो यहाँ पर मैं इसका जो टेक्स्ट है, आपको पता है इसका जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ये थोड़ा यूनिक है ना, तो इसका जो इनपुट टाइप है ये टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कि इनपुट टाइप को, तो टाइप यहाँ पर लिख रहा हूँ, टाइप क्योंकि टाइप है, तो टाइप को मैं क्या करूँगा कि इनपुट टाइप को टेक्स्ट कर देता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो क्या होगा कि ये इसका जो कलर को मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, पहले कलर चेंज करता हूँ, ये चेंज होता है कि नहीं देखते हैं, इसका जो कलर रेड कर दिया। अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखूँगा, ये देखो, अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख रहा हूँ तो यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, क्यों काम नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट ये काम नहीं कर रहा है। अगर मैं बोलूँगा कि जो कि इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप को टेक्स्ट कर दिया, तो इसका जो कलर को मैं रेड कर दिया बेसिकली, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज होता है कि नहीं, तो होगा मुझे नहीं पता होगा कि नहीं, तो बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर में क्या करूँगा कि 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड रेड, सॉलिड, सॉलिड रेड, रेड, ठीक है। तो यहाँ पर रेड कर दिया, कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, ये तो पक्का काम नहीं कर रहा है, एक काम नहीं कर रहा है तो ठीक है, ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है बेसिकली, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है बेसिकली, यहाँ पर मुझे बैकएंड नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जो लिखा है ना मैं बैकएंड, शायद इसलिए काम नहीं कर रहा है, जो कि बैकएंड डॉट PHP लिखा हूँ ना, शायद इसके वजह से काम नहीं कर रहा है। कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, ये कंट्रोल एस दबा दिया, अभी देखना कि इसके अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ, अभी भी काम नहीं कर रहा है बेसिकली, जो कि इनपुट है, तो इनपुट टाइप को मैं टेक्स्ट कर दिया बेसिकली। अगर मैं इसको, इसका जो कि इनपुट टाइप को मैं टेक्स्ट कर दूंगा तो क्या होगा कि इसका जो कि कलर है वो रेड हो जाना चाहिए बेसिकली, नहीं तो और कुछ प्रॉब्लम है। ओनली मैं लिख रहा हूँ कि टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इसका जो टाइप है, अगर मैं यहाँ पर ओनली टेक्स्ट लिख दूंगा, तो टेक्स्ट लिख दूंगा,
मतलब देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख दूंगा तो ये काम करता है कि नहीं, देखते हैं। अभी भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो ये तो नंबर है, ये सबमिट तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये काम क्यों नहीं कर रहा है? बेसिकली इसका जो इनपुट हो, मैं चाहता हूँ कि ये तो हो चुका है बेसिकली। तो फॉर्म टैग के अंदर, जो फॉर्म टैग के अंदर बेसिकली इसका जो टाइप है इनपुट, इनपुट तो ठीक है ना, इन प्यूट, अच्छा इनपुट तो ठीक है, इनपुट टाइप को मैं टेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं बोला कि इसका जो प्लेस होल्डर दे दिया कुछ, उसके बाद मैं बोल दिया कि इनपुट टाइप को ऐसे कर देना, बट ये काम क्यों नहीं? अगर अच्छा ये तो काम नहीं कर रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि अगर ये भी, अच्छा ये भी सब कुछ हट चुका है बेसिकली। अगर मैं बोलूँगा कि इसको मैं ज़िंदा कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, ये काम करता है कि नहीं देखते हैं। ये अभी काम करता है, ये तो काम कर रहा है, तो ये क्यों काम नहीं कर रहा है बेसिकली देखते हैं। जो कि इनपुट टाइप है बेसिकली, इसका जो इनपुट टाइप है टाइप टेस्ट कर रहा हूँ, इसका जो टाइप है इसका जो टाइप है टाइप, तो इसे कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, इसे जो टाइप है, मैं टाइप को क्या करना चाहता हूँ कि काम कर सकता हूँ कि टेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिसका, मतलब इनपुट टैग के अंदर जाना, जिसका टाइप टेक्स्ट होगा उसका कलर चेंज करना, मतलब मतलब किसी का नंबर भी हो सकता है, इनपुट टाइप नंबर भी हो सकता है, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिसका इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा उसका कलर रेड हो जाना चाहिए, उसके बाद बैकग्राउंड कलर 2 पिक्सल हो जाना चाहिए। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, बट यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये तो हो जाना चाहिए बट ये नहीं हो रहा है बेसिकली, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। अगर मैं काम करूँगा कि इसका जो कि पहले जैसा था, मतलब यहाँ पर जो इनपुट, पहला जो इनपुट आ गया इसको ऑटो किया था, मार्जिन ऑटो और ब्लॉक किया था, इसको मैं हटा रहा हूँ बेसिकली, तो इसको मैं हटा दिया, अभी काम करेगा शायद, देखते हैं। अगर यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ कुछ, अभी भी काम नहीं कर रहा है बेसिकली, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहे। तो इसका जो कि इनपुट टाइप है ये तो टेक्स्ट है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि इनपुट टाइप को तो टेस्ट कर देना, ये तो हो चुका है बेसिकली। अच्छा फॉर्म, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मैं फॉर्म टाइप के अंदर जाना, फॉर्म टैग के अंदर जाना, सॉरी कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, फॉर्म टैग के अंदर जाना, OR फॉर्म टैग के अंदर जाना, ठीक है, ऐसे बोल सकता हूँ कि फॉर्म टैग के अंदर जाना, उसके बाद इनपुट टैग के अंदर जाना, इसका जो टाइप है टाइप को टेस्ट कर देना, ठीक है। अगर मैं इससे बोलूँगा कि शायद काम कर जाएगा, नहीं तो अगर अभी भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अभी मैं बोलूँगा कि अभी भी काम नहीं कर रहे, तो अभी मैं क्या करूँगा कि फॉर्म टैग के अंदर जाना, नहीं तो मैं काम करूँगा इसका कुछ आईडी दे देता हूँ फॉर्म का, जैसे कि आईडी दे देता हूँ, आईडी फॉर्म, FORM, ठीक है, आईडी दे देता हूँ, फॉर्म दे देता हूँ, अगर मैं इसको पाउंड साइन से बुलाऊँगा, पाउंड साइन से बुलाऊँगा, एक साथ तो यूज नहीं कर पाऊँगा, नहीं तो यहाँ तो प्रॉब्लम आ जाएगा, अभी कंट्रेस दबा रहा हूँ, ऐसे तो नहीं हो सकता है। एक साथ मैं आईडी सिलेक्टर और मतलब यहाँ पर मतलब एलिमेंट सिलेक्टर यूज नहीं कर सकता हूँ, प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ पर, बट ये क्यों नहीं हो रहा है बेसिकली? इसका जो टाइप है, अच्छा इसको छोड़ते हैं, तो मैं देखता हूँ कि अगर यहाँ पर एक ये कर देता हूँ बेसिकली, इसके अंदर एक एंकर टैग यूज़ करूँगा, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, नहीं तो कोई फॉर्म टैग के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा कि एक H1 टैग यूज़ करूँगा, ठीक है, एक H1 टैग यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि देखो H1 टैग के अंदर एक एंकर टैग लगाऊंगा, ठीक है, एंकर टैग के अंदर मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर लिख दूंगा कि जो डबल 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 यहाँ पर लिख देता हूँ कि HTTPS HTTPS कॉलन डबल स्लैश,
www.google.com वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब www.google.com। ये क्या होगा कि google.com में मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसको गूगल कर देता हूँ, google, ठीक है, यहाँ पर गूगल कर दिया। तो अगर इसका जो टारगेट है, अगर मैं क्या करूँगा कि इसका जो टारगेट है यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर इसे टारगेट को ब्लैंक कर देता हूँ। क्यों ब्लैंक किया? अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा गूगल के ऊपर क्लिक करेगा तो क्या होगा कि वो एक न्यू टैब में चले जाएगा, उसके बाद गूगल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसे मैं टारगेट को ब्लैंक कर सकता हूँ, अंडरस्कोर ब्लैंक कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर लिखता हूँ कि देखो एंकर टैग यहाँ पर यूज करूँगा, उसके बाद मैं बोलूँगा कि मेरे पास जो कि जिसका टारगेट सेट है, मैं ये बोल सकता हूँ कि एंकर टैग के अंदर जाना, तो जिस ही एंकर टैग का टारगेट सेट है, टारगेट जिस ही एंकर टैग का टारगेट सेट है तो उसको पकड़ना, ठीक है। इसका मैं अंडरस्कोर ब्लैंक कर रहा हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, जिसका अंडरस्कोर ब्लैंक है उसको पकड़ना जाके। ठीक, इसका जो कलर है, इसका जो कलर को क्या करना है कि रेड कर देना, कंट्रास्ट दबा रहा हूँ, ये काम करेगा कि नहीं देखते हैं। ये बेसिकली कलर चेंज नहीं हुआ है अभी तक। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये गूगल में चले जा रहा है, बट न्यू टैब में ओपन हो रहा है, बट इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा है बेसिकली। अगर मैं चाहूँगा कि इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ बेसिकली, अगर मैं इसको सबसे ऊपर ले लूँगा, पारा स्टाइल बेसिकली स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पर ले लूँगा, तो देखते हैं काम करता है नहीं। कंट्रोल एस, क्योंकि ये ऊपर है ना, तो यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, तो अभी चेंज नहीं हुआ है बेसिकली। नहीं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ जिसका टारगेट है, मतलब जिसका टारगेट सेट है, अगर मैं इसे टारगेट कर दूंगा, अगर मैं यहाँ ऐसे कर सकता हूँ जिसका टारगेट सेट है, मतलब जिसका जिसके अंदर टारगेट है, तो क्या करना है कि उसका कलर चेंज कर देना। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, एंकर टैग के अंदर जाना, जिसका टारगेट सेट है तो उसका कलर रेड कर देना। ये रेड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अगर यहाँ पर मैं बोलूँगा कि एल जो कि H1 के अंदर जाना, बेसिकली H1 टैग के अंदर जाना, कंट्रोल दबा रहा हूँ, H1 टैग के अंदर जाना, उसके बाद क्या करना कि A टैग के अंदर ढूंढना, A टैग के अंदर जिसका टारगेट सेट है, कंट्रोल कर रहा हूँ, तो अभी काम करेगा शायद, अभी भी काम नहीं करोगे, अभी भी काम नहीं कर रहा है, कंट्रोल दबा रहा हूँ, अभी शायद अभी काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोल सकता हूँ कि H1 टैग के अंदर जाना, उसके बाद जिसका टारगेट A टैग को ढूंढना, एंकर टैग को ढूंढना जिसका टारगेट सेट है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो HTML में बहुत सारा चीज़ होता है जिसको आप याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ऐसे कर दोगे तो क्या होगा कि वो रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर रेड कर सकता हूँ तो मैं इसको, इसे जो कि एंकर टैग है, मैं यहाँ पर एंकर टैग लिखा था ना, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि नहीं तो एक काम करूँगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी ये देखो इनपुट टाइप जो लिखा हूँ ना, तो यहाँ पर ये भी काम करेगा। अभी देखना ऐसे यहाँ पर स्पेस नहीं रहना चाहिए, ठीक है, जो कि इनपुट टाइप है, जिसका इनपुट टाइप सेट है। तो यहाँ पर लिखूँगा कि मैं गलती कर रहा था, क्योंकि मैं इसके अंदर स्पेस दे दिया, मतलब यहाँ पर स्पेस दे दिया था, बेसिकली यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, ठीक है। तो अगर जिसका इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसको पकड़ेगा, उसके मतलब उसका जो कलर है उसको चेंज कर देगा, उसके बाद 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर देगा उसका जो कि बैकग्राउंड कलर को। ये देखना, ये अब इस, ये देखो अभी काम कर रहा है, देखो ये काम कर रहा है। तो अभी मैं बोलूँगा कि इसका जो कि बैकग्राउंड कलर है, ये 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर देना, नहीं तो इसको 9 पिक्सल कंट्रास्ट कर रहा हूँ, तो ये ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर बॉर्डर देना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे बॉर्डर देना पड़ेगा, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दिया बॉर्डर, तो यहाँ पर बॉर्डर लिख रहा हूँ,
तो यहाँ पर मैं बॉर्डर लिख देता हूँ, बॉर्डर। तो बॉर्डर क्या करना है कि टू पिक्सल सॉलिड सॉलिड रेड कर देना, रेड कर देना। अभी हो जाएगा, कंट्रास्ट कर रहा हूँ, ये अभी सब पक्का हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। और इसका जो कि ये इसके अंदर जो भी लिखूँगा वो भी चेंज हो जाएगा, इसका जो फॉन्ट साइज। अच्छा, अभी मैं क्या करूँगा कि मैं बोलूँगा कि मैं ढूँढ रहा हूँ कि इसका जो कि इनपुट टैग है इसको भी मैं जिंदा कर देता हूँ। मतलब क्या होगा कि सेंटर में चला जाएगा। अब इसके इसने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, उसके बाद मार्जिन ऑटो कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, ये अभी सेंटर में आ चुका है। अभी इसका कलर भी चेंज हो चुका है अभी। और ये जो एंकर टैग है इसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर रखते, मतलब रहने देते हैं। अभी मैं बोलूँगा कि ये तो अभी रेड हो चुका है, अगर जिसका टारगेट सेट नहीं है, जिसका टारगेट सेट नहीं है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको कंट्रोल डी करूँगा, इसका टारगेट सेट अभी नहीं है। अगर देखो इसको, इसका जो टारगेट है इसको मैं सेट नहीं करूँगा, तो क्या होगा कि अगर मैं कंट्रोल एस करूँगा तो क्या होगा कि ये गूगल आएगा, एक गूगल आ चुका है, इसका टारगेट सेट है, तो ये कलर चेंज हो चुका है, इसका टारगेट सेट नहीं है, तो यहाँ पर कलर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। मैं बोला कि जिसका टारगेट सेट है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारा आप ट्राई कर, मतलब जितना आप प्रोग्राम लिखोगे उतना आप समझ पाओगे, क्योंकि ये हर हर चीज़ तो आप याद नहीं कर पाओगे ना, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो ये तो हो चुका है, मतलब मैं बोल दिया कि कैसे ये करना है। आप टारगेट कर सकते हो, सेल्फ कर सकते हो, ऐसे बहुत कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जिसका टाइप टेक्स्ट मतलब नंबर होगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मैं इसको नंबर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं नंबर अगर कर दूँगा तो क्या होगा कि जिसका टाइप नंबर है तो उसका कलर रेड हो जाएगा। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, जिसका ये देखो अभी रेड हो चुका है, इसका इसका ये नंबर है ना, यहाँ पर मैं नंबर कुछ डाल सकता हूँ, ये नंबर हो जाएगा। तो इसका जो फॉन्ट साइज है, यहाँ पर फॉन्ट साइज दे रहा हूँ, तो यहाँ पर फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल दे रहा हूँ, यहाँ पर इटैलिक दे रहा हूँ, नहीं तो इटैलिक कर सकता हूँ। फॉन्ट साइज एक आता है, देखता हूँ यहाँ पर काम आता है कि नहीं। फॉन्ट एफ एंड फॉन्ट साइज, ये देखो आ चुका है अभी फॉन्ट साइज। मैं 40 पिक्सल कर रहा हूँ, 40 तो बहुत, 30 पिक्सल कर रहा हूँ, 30 पिक्सल कर दिया, कंट्रास्ट दबा रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये देखो चलेगा। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ नंबर दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इसको, इसलिए मैं और एक इसको कंट्रोल डी कर रहा हूँ, बेसिकली कंट्रोल डी। तो मैं बोलूँगा कि जिसका टेक्स्ट है, जिसका टेक्स्ट को यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, जैसे कि मेरा प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ पर जो कि इनपुट है ये केस सेंसिटिविटी है, बेसिकली इस यहाँ पर स्पेस मत यूज करना, ठीक है। इसको सीडो सिलेक्टर बेसिकली बोलते हैं, और एन एन चाइल्ड सीडो सिलेक्टर के बारे में तो मैं जब स्टार्टिंग से बोल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, TXT कर देता हूँ, टेक्स्ट कंट्रास्ट कर रहा हूँ, जिसका इसका मतलब क्या है कि जिसका इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसको टारगेट करेगा, ठीक है। ये अभी इसके कलर को मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कलर में ये दे रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा। और इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर को भी मैं चेंज करूँगा, बॉर्डर भी ये कलर हो जाएगा। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, ये देखा टेस्ट जो है वो, ये जो टेस्ट है इसका जो देखो ये कैसे दिखाई दे रहा है, और जो नंबर है वो कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है। तो अगर मैं इसको सेंट्रल ले लूँगा तो अच्छा होगा, इसको मैं ले सकता हूँ ऐसे। आप सोच रहे हो कि मैं नहीं ले सकता हूँ, बट मैं इसको ले सकता हूँ। जैसे देखो ये पहले मैं ये देखूंगा कि ये जो एंकर टैग है वो क्या है, मतलब मतलब इनलाइन है कि ब्लॉक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट, अगर ये देखो ये तो इनलाइन एलिमेंट है ना, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लेने के लिए मतलब कोशिश करूँगा, जैसे कि मैं बोलूँगा कि मेरा जो कि एंकर टैग है, यहाँ पर मैं बोलूँगा जो कि एंकर टैग है, एंकर टैग को क्या करना, सॉरी कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा कि जो कि एंकर टैग है, एंकर टैग को मैं क्या करना कि इसका जो कि टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देना, नहीं तो इसका जो मार्जिन है, मार्जिन ऑटो कर दूंगा। तो क्या होगा कि देखते हैं ये सेंटर में आता है कि नहीं, ये अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको इसका जो डिस्प्ले है एंड ब्लॉक करना पड़ेगा, इसका जो डिस्प्ले है इसको ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में इसका जो मार्जिन सेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये
फिर भी काम क्यों नहीं कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि जो कि एंकर टैग है मतलब H1 के अंदर है, ऐसे लिख सकता हूँ कि H1 के अंदर, H1 सॉरी कंट्रोल जेड, तो जो H1 के अंदर है ठीक है, जो H1 के अंदर है जो कि एंकर टैग है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। नहीं तो एक काम कर, इसका कुछ मार्जिन दे दूँगा, मार्जिन दे देता हूँ, सॉरी विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 500 पिक्सल, 500 पिक्सल यहाँ पर दे दिया, कंट्रोल से दबा रहा हूँ। ये देखना, ये भी आ चुका है, अब सेंटर में नहीं आया है बट आ जाएगा ये सेंटर में, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सेंटर में लेने के लिए। ये देखो ये गूगल आ चुका है बेसिकली। इसका अगर टेस्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा, अगर इसका जो कि ए टैग है, ये भी मैं बोलूँगा कि जो कि एंकर टैग है, यहाँ पर बोलूँगा कि जो कि एंकर टैग है, टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देना है, टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दूंगा तो क्या होगा कि कंट्रोल एस करूँगा। ये देखना ये भी हो चुका है कि नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है इसको सेंटर में लेने के लिए ठीक। तो ऐसे ही होता है। तो अगर वीडियो अभी ये तो अभी तो ठीक ठाक चल रहा है वीडियो, और आपको अच्छा लग रहा है तो जाके लाइक करना, आपको कोई बोरिंग हो जा रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझे बोर लग रहा है। तो प्रोग्रामिंग ऐसा चीज़ है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर टाइम नहीं दोगे तो आप समझ नहीं पाओगे इसको ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई का चैनल को। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।